बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस आमना ज़ोहरा कुरैशी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। टुडे विल स्टडी पोएम नंबर 8, दैट इज़ वन आर्ट बाय एलिजाबेथ बिशप, एंड इट इज़ इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ एसोसिएट डिग्री, दैट इज़ थर्ड ईयर पार्ट वन। द नेम हैज़ चेंज्ड। ओके, before starting the poem, let me give you some introduction of the poetess. Here is the picture. This is Elizabeth Bishop, right? So Elizabeth Bishop was born in 1911 and she died in 1979, and she was an American poetess and short story writer. So ye America se belong karti thi. Kuch hote hain jo ke इंग्लिश पोइट होते हैं जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। सो शी वॉज एन अमेरिकन पोइटेस एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। शी वॉज अ कंसल्टेंट इन पोइट्री टू द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस फ्रॉम 1949 टू 1950। सो शी वर्कड एज अ कंसल्टेंट इन पोइट्री टू द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। यहाँ उसने काम किया और उसने जो है पुलिट्ज़र प्राइज भी उसे मिला जो कि पोइट्री पे होता है, ये अमेरिका में भी दिया जाता है। ये शी वॉज अवार्डेड दिस प्राइज इन 1956 एंड शी ऑल्सो वॉन अ नेशनल बुक अवार्ड इन 1979। शी ऑल्सो वॉन सम अदर अवार्ड एज वेल। सो एज दिस पोएम वन आर्ट, दिस हैज सम ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स। ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द पोइटेस। That's why it is very important for us to know some facts about her life. So she experienced a chaotic early life. Shuru ki life uski bahut zyada miserable thi. How her life was so difficult, the death of her father when she was not yet one. Abhi uski umar ek saal bhi nahi hui thi to uske father ki death ho gayi thi. And her mother's subsequent mental problems meant she was committed when a poetess was just 5. Abhi uski umar 5 saal bhi nahi thi to uski mother ko kuch mental issues ho gaye, that's why she was sent to jo hota na recovery ke liye centers, wahan bhej diya jata. She never saw her again. Uske baad usne apni maa se kabhi nahi mil saki. Because these were the huge and great loss of her life. ये दो बड़े बड़े वालदेन का ना होना, it's a huge loss. As a result, she was moved around considerably during her childhood before being sent to an elite school by her paternal grandparents. वो move करती रही कभी कहीं कभी कहीं, because she did not have her parents. तो जब तक वो school में नहीं चली गई तब तक वो she had to move from. Okay, after graduating from Vassar College, she spent many years traveling, scenes of which was are reflected in her poetry, and later spent some time in Brazil. ठीक है, बहुत उसने सफर किया after her graduation. Or in 1967 and after this, Bishop returned to the United States where she became teacher at Harvard. बिशप जो है 1967 के बाद जो है ये वापस आई थी यूनाइटेड स्टेट में, यूएसए में, और यहाँ पे आके उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। ठीक है, उसने ये मैंने अवार्ड्स का तो पहले भी जिक्र कर दिया। शी वॉज अ परफेक्शनिस्ट, ऐसे नहीं कि किताबें की किताबें छापनी, शी वॉज अ परफेक्शनिस्ट, दैट्स व्हाई शी जस्ट पब्लिश्ड ओनली 101 पोएम्स। ये नहीं कि किताबें, ये बहुत ज्यादा जी क्वांटिटी पे बिलीव नहीं किया उसने, क्वालिटी पे बिलीव किया। एंड शी बिकेम वेल नोन आफ्टर हर डेथ इन 1979। डेथ के बाद उसको ज्यादा एक्नॉलेज किया गया और अप्रिशिएट किया गया। सो सम एक्सपीरियंसेस ऑफ हर लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ, उसके पेरेंट्स की, स्पेशली फादर की डेथ व्हेन शी वाज नॉट इवन 1 ईयर ओल्ड, सेकेंड हर मदर, उसकी मेंटल कंडीशन, थर्ड जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वो रही, एक्सक्यूज मी, और उसके बाद जो है उसने डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में भी सफ़र किया, और फिर उसके बाद लेटर शी स्टार्टेड टीचिंग एज वेल। दीज आर सम फैक्ट्स अबाउट हर। ओके जी, लेट्स कम टू द पोएम। द आर्ट ऑफ लूजिंग इज इट हार्ड टू मास्टर, सो मेनी थिंग्स सीम फेल्ड विद इंटेंट, टू बी लॉस्ट देयर लॉस इज नो डिजास्टर, लूज समथिंग एवरी डे एक्सेप्ट द फ्लस्टर।
of lost or key that are badly spent, the art of losing is not hard to master. The practice, then practice losing faster, farther and faster, places and name and where it was you meant to travel, none of these will bring disaster. I lost my mother's watch, and look, my last or two, next to last, of three loved houses went, the art of losing is not hard to master. I lost two cities, lovely ones, and vaster. Some realm I owned, two rivers, a continent. I missed them, but it wasn't a disaster. Even losing you, the joking voice, a gesture I love. I shan't have lied, it's evident. The art of losing is not too hard to master, though it may look like, write it like disaster. So apparently it looks a disaster. So according to the poetess, the tone, jo humne dekha iski tone, iska lehja kaisa hai, the tone and the attitude of the poetess looks mocking. Mocking lagta hai jaise koi mazak uda rahi hai. Non-serious sa lagta hai and frivolous sa lagta hai, but underlying message is serious. Apparently the tone of the poetess is very non-serious and funny and mocking, but it has some serious message, sane and sensible. Bahut sensible message usne hame diya hai. Upar zahir to badi usne tone to usne mazakiya se rakhi hai. The true art of losing include should help us to inculcate a spirit of acceptance and resignation. ये जो स्पिरिट है कि हमने लूज करने का यानी खो देने का फन जो सीखना जो है, ये हमारे अंदर क्या स्पिरिट पैदा करती है कि हम हमारे पास जो कुछ है हम उसको एक्सेप्ट कर लें और जो नहीं है उसको रिजाइन कर दें, उसको छोड़ दें, उसके पीछे ना लगे रहें. द लॉस ऑफ डोर कीज और लॉस ऑफ एम्पायर शुड बी टेकन इन वन स्ट्राइड विद अ स्माइलिंग फेस एंड अ स्टाउट हार्ट. वो कहती है कि छोटी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे चाबियां नहीं मिल रही दरवाजे की, या आपने कोई इलाका छोड़ा है अपना, या इन तमाम चीजों को हमने कैसे बेयर करना है, विद स्माइलिंग फेस विद अ स्ट्रॉन्ग हार्ट. ऐसे नहीं कि बिल्कुल आप यू आर वेरी डाउन एंड आउट एंड यू आर वेरी लॉस्ट एंड यू कैन नॉट बेयर एंड यू आर ऑल द टाइम वीपिंग एंड क्राइंग. ये नहीं होना चाहिए. यू शुड फेस ऑल द लॉस with the smiling face and very strong heart. In this way, a defeat or disaster loses its bitterness. Agar aap bahut rote rahenge, aap bahut ghabra jayenge, bahut pareshan honge, what will happen? अगर तो आप रोते रहेंगे तो वो फिर और मुश्किल लगेगी आपको चीज. अगर आप इस मुश्किल को, ये इन दिस वे अ डिफीट, ये जो एक शिकस्त होती है ना, आप भूल गए, आपको याद नहीं रहा, आपको चीज नहीं मिल रही, आप गुम गई हैं चीजें, या यू मतलब बहुत सारी कुछ चीजें होती हैं आम चीजों से और बहुत अहम तक भी. वो कहती है कि अगर हम इसको बड़े स्माइलिंग फेस से इसको बेयर करें, बर्दाश्त करें, तो क्या होगा, इट लूजेस इट्स बिटरनेस. ठीक है, ये बिटरनेस जो इसमें एक तलखी होती है ना, ये खत्म हो जाती है. एंड गिव्स अस होप एंड स्ट्रेंथ टू लुक अहेड, और हमें एक होप देती है, उम्मीद देती है, और एक ताकत देती है कि हमने आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखते रहना चाहिए. वन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल एंड वन शुड लुक अहेड एंड वन शुड नॉट ऑल द टाइम रिमेंबर ऑल द लॉसेस ऑफ द पास्ट. द मोस्ट ट्राइफिंग इंसिडेंट एंड द ग्रेटेस्ट डिजास्टर शुड बी फेस्ड विदाउट टीयर्स. वो कहती है, इट डज नॉट मैटर whether the loss is a big one or a very small, trifling, sa chhota sa hai incident ya bahut bada hai. We should face it without tears. We should face it with bravery, a very strong heart. The art of losing, in fact, means to live life hoping for the best and to be ready to face and accept the worst. Hame hamesha jo hai, apni zindagi mein behtareen ki umeed rakhni chahiye. और हमेशा जो है बदतरीन के लिए तैयार रहना चाहिए. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन. ठीक है, ये मैंने पैराग्राफ जो है आपके पोइम के एंड से लिया है, जिसमें जो है पोइम के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है, तो आप वहां से भी ले सकते हैं. सो देयर इज द रेफरेंस, दीज लाइंस जो भी आएंगी उसमें स्टांजा में आ जाए, दिस स्टांजा कह लें, दीज लाइंस कह लें, हैज बीन, अगर दिस स्टांजा होगा, दिस स्टांजा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, फ्रॉम द पोएम वन आर्ट
कंपोज्ड बाय भी लिख सकते हैं, रिटन बाय जरूरी नहीं है, एलिजाबेथ बिशप। ये रेफरेंस होता है, इसका दो नंबर होते हैं, एक नंबर होता है सॉरी। और फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, इन दिस पोइम द पोएटिस वांट्स टू टीच अस दैट द आर्ट ऑफ लूजिंग थिंग इज नेसेसरी टू लीड अ प्लेजेंट लाइफ। हम ये फन सोचना, लर्न करना बड़ा ज़रूरी है, भूल जाने का फन, तो ये हमारी ज़िंदगी को प्लेजेंट बना देती है। अगर हम हर चीज़ अपने जख्मों को कुरेदते रहेंगे हर वक्त, तो कभी भी हमारा जो वुंड है वो कभी भी हील नहीं होता, वो हमेशा का हमेशा कैसा रहता है, डिजॉल्व इज देयर और डिजॉल्व इज टीजिंग और डिस्टर्बिंग होता है। सो वी शुड फॉरगेट वट एवर हैपन्स इन द पास्ट, वी शुड नॉट बॉदर, ठीक है, परेशान नहीं होना चाहिए वेदर थिंग्स आर लॉस्ट और स्नैच्ड फ्रॉम अस, चाहे हमारी चीज़ें गुम जाएँ या कोई छीन के ले जाए। द लॉस ऑफ डोर कीज और सम अदर पोजेशन शुड बी एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ है, चले चाबियाँ गुम हो गई तो इट शुड नॉट ब्रिंग डिजास्टर इन आर लाइफ। नो लॉस शुड डिस्टर्ब अस, कोई भी नुकसान हो कैसा भी हो, हमें इसको उस नुकसान को चीज़ों के नुकसान से मतलब परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है, चीज़ों के नुकसान पे परेशान नहीं होना चाहिए। या आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो होती हैं हमें एक रेजिग्नेशन पैदा करती हैं, हम फिर छोड़ देते हैं, हमें कंटेंटमेंट पैदा करती हैं, हम लोग कनाट पसंद हो जाते हैं। वी शुड टेक आर डिफीट्स एंड लॉसेस लाइटली, जो हमारा लॉस हो जाता है, तो पैसे गुम हो गए, ठीक है, किताब गुम हो गई या चाबियां नहीं मिल रही, तो इस तरह इन चीज़ों को हमें बड़ा लाइटली लेना चाहिए, इनको हमें अपने सर पे सवार नहीं करना चाहिए। सो लाइफ में बहुत कुछ होता है, सो वन शुड बी वेरी काम रहना चाहिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन स्टांजा वाइट्स, हम इसको पढ़ते हैं। द आर्ट ऑफ लूजिंग इजंट हार्ड टू मास्टर, सो मेनी थिंग्स सीम filled with the intent to be lost where loss is no disaster. So one art, what is that art? Sorry, what is this art? Art of losing thing. Art kis cheez ka? Of losing thing. So this, is this an art? Kya ye baaki fun hai? Let's try to find out. Is it really an art or something else? How can it be an art? What type of art it is? The art of losing is not hard to master. This line is repeated again and again, again and again. This is again, ye jo dekhe the. The art of losing is not hard to master. The art of losing is not hard to master. This is repetitive. So the central idea is the art of losing. So the poetess says that art of losing is not hard to master, but There lies the irony, मैंने पहले भी बताई थी कि वो जो कह रही है उसे वो उलट होता है, वैसा नहीं होता, बिकॉज आर्ट ऑफ लूजिंग इज वेरी हार्ड टू मैस्टर, बहुत मुश्किल है इस चीज़ पर आपको महारत हासिल करना। यू कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ लूजिंग थिंग, बट शी सेज दैट इट्स क्वाइट ईजी, इट्स क्वाइट नॉर्मल, बिकॉज शी एक्सपीरियंस सो मेनी लॉसेज इन हर लाइफ, सो मेनी थिंग्स सीम फिल्ड विद द इंटेंट। कुछ चीज़ें जो होती हैं हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं, वी थिंक दैट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैम, एंड दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आर लाइफ, एंड देयर लॉस विल ब्रिंग डिजास्टर, तबाही आ जाएगी हमारी जिंदगी में, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट। टू बी लॉस देयर लॉस इज नो डिजास्टर फॉर द पोइटस, शी इन फैक्ट ट्राइज टू गिव अस अ लेसन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रेजिग्नेशन, दैट वी शुड एक्सेप्ट वट एवर वी हैव एंड वी शुड रिजाइन वट एवर इज लॉस्ट। वी शुड ट्राई टू मैस्टर दिस आर्ट बाई लूजिंग डिफरेंट थिंग्स, बट वी शुड ऑल्सो रियलाइज दिस थिंग कि इन लाइफ वी शुड होप फॉर द बेस्ट, बट वी शुड ऑल्सो बी रेडी फॉर द वर्स्ट, हमेशा बेहतरीन की उम्मीद रखें और बदतरीन के लिए तैयार रखें रहें। सो मटीरियलिस्टिक थिंग और मटीरियल थिंग्स का लॉस जो है इज नॉट अ लॉस एट ऑल, ठीक है, लॉस इज द लॉस ऑफ हेल्थ, लॉस इज द लॉस ऑफ योर नियर एंड डियर रिलेटिव्स, सो इवन देन द पोएटिस सेज दैट दिस लॉस इज नॉट अ लॉस, वो कहती है ये नुकसान कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर दिस इज एन आर्ट, ये एक फन है एंड इट कैन बी मास्टर, और इस पर हम महारत हासिल कर सकते हैं। So the next stanza is, sorry, lose something every day. How can we master it? Hum kis tarah is fun pe maharat hasil kar sakte? Accept the fluster.
जो कोई भी एक हिजानी कैफियत हो जाती है ना एकदम से, आपने फटाफट, जैसे मैंने सपोज सुबह कॉलेज जाना है, गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, तो देर इज अ फ्लस्टर, एकदम परेशानी आ जाती है, घबराहट हो जाती है, टेंशन हो जाती है. तो वी शुड एक्सेप्ट इट, ठीक है, वी शुड बी काम डाउन, रिलैक्स, कोई बात नहीं, चाबी नहीं, दूसरी चाबी मिल जाएगी. ऑफ द लॉस्ट डोर कीज, ठीक है, दरवाजे की चाबियां नहीं मिल रही, द आर बैडली स्पेंट, आप कहीं गए या आपका टेस्ट नहीं अच्छा हुआ, आपका वक्त अच्छा नहीं गुजरा, कोई भी, एनी टाइम, जरी बात है, लाइफ इज लाइक फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, जिंदगी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है. स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है एंड ऑफ लाइफ. आपने देखा ना ईसीजी पे आता है, जब हार्ट की वो लेते हैं तो क्या आता है, जिग-जैग आता है, अप एंड डाउन. सो लाइफ इज लाइक दैट, कुछ आपके अच्छे मोमेंट आ जाते हैं, कुछ बुरे आ जाते हैं. सो वन शुड एक्सेप्ट दिस थिंग, ठीक है, कबूल करना चाहिए. द आर्ट ऑफ लूजिंग इज हार्ड, नॉट हार्ड टू मास्टर. सो द पॉइंट इज अगेन एंड अगेन मेकिंग अस रियलाइज एंड मेकिंग अस, और क्या कह सकते हैं, शी इज ट्राइंग टू एम्फसाइज दिस फैक्ट दैट आर्ट ऑफ लूजिंग इज नॉट हार्ड टू मास्टर. देन प्रैक्टिस लूजिंग फार्दर, लूजिंग फैस्टर. अब वो कहती है किस तरह करें, पहले तो उसने कहा ना उसको आहिस्ता, फार्दर, फैस्टर, तेज करते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं. प्लेसेस एंड नेम्स एंड वेयर इट वाज यू मेंट टू ट्रेवल. कभी होता है ना नाम भूल गए, जगह का भूल गए, और कहीं आपने जाना था उसका भूल गए. सो इट डजंट मैटर, शी सेज इट डजंट मैटर इफ यू फॉरगेट, इफ यू लाइक डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ सम पर्सन और प्लेस और सम असाइनमेंट और एनीथिंग लाइक दैट. तो कहती कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करें, भूलें, भूलने की प्रैक्टिस करें. सो दिस थिंग विल गिव यू अ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ टू एक्सेप्ट वट एवर यू हैव, स्ट्रेंथ टू एक्सेप्ट, स्ट्रेंथ टू बी कंटेंटेड, स्ट्रेंथ टू रिजाइन, छोड़ दें जो आपके नियर नहीं है उसको छोड़ दें. नन ऑफ दीज विल ब्रिंग डिजास्टर, कुछ नहीं होता, नाम भूलने से, जगह भूलने से, कोई आपकी कमिटमेंट है वो भूलने से, नथिंग विल ब्रिंग डिजास्टर इन योर लाइफ, कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज ओके एंड फाइन इफ यू फॉरगेट एनीथिंग. सो यू शुड लर्न दिस आर्ट, दिस आर्ट, हाउ कैन वी मास्टर इट, वी कैन मास्टर दिस आर्ट बाय प्रैक्टिसिंग इट मोर एंड मोर. सो शी गिव्स हर ओन एग्जाम्पल, देयर आर सम ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन दिस स्टैंजा. आई लॉस्ट माई मदर्स वॉच, लुक the type of relation she had with her mother, like उसके 5 साल तक तो वो अपनी माँ, 5 साल की उम्र बेबी नहीं अभी इसकी हुई थी, तो उनकी माँ क्यों क्या हुआ था, कुछ mental, that's why उसको जो है mental hospital वो चली गई होंगी, that's why she could not see her after that, और उनकी याद थी, that was a wrist watch, and or she lost that. She even lost that. And look, my last or next to last of the three loved houses means she had to change the places. She had to change the houses as well because she was living with her grandparents. First, she was living with her parents. After that, she went to college. So she loved her place. जहाँ आप रहते हैं, you have a sort of association. But now she is giving her own example. She is like counting. The art of losing is not hard to master. Again, she again reminds us the fact that this art is not difficult to master. We can learn it and it will bring very comfort in our life. Hamari zindagi aasan ho jati hai, hamari zindagi mushkil nahi hoti. I lost two cities, lovely ones and vaster. Do shahar bhi chhode. Theek hai, ye uski apni hai, pehle Brazil bhi gayi, USA bhi. So she lost two cities and lovely ones and vaster. Some realm I owe two rivers, a continent. She moved from places to places. That's why she's talking about these things. I miss them, but it was not a disaster. कहती मैं याद करती हूँ, मुझे miss करती हूँ उन जगहों को, but it does not bring any disaster in her life. So she is very calm. ये calmness जो है, ये सुकून जो है, उसको कैसे आया है? कहते हैं ना मुश्किलें मुझ पे पड़ी तो आसान होंगी. क्या है? एक शेर है ना, तो वो जो तकलीफें सेल्स है कि इंसान जो होता है ना वो उसकी बिटरनेस खत्म हो गई होती है. सो दिस हैपेंड विद हर, और यही वो रियलाइज कराना चाहती है कि कुछ नहीं होता, लाइफ इज दिस. इवन लूजिंग यू, यहाँ पे लूजिंग यू जो है वो अपनी किसी लव्ड वन को कह रही है, किसी प्यारे को कह रही है,
A joking voice, a gesture, I love. I shan't have lied. It's evident the art of कहती है तुमसे भी कोई फर्क नहीं पड़ फॉर इवन दैट थिंग रिलेशन जो कि आपके रिलेशन होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इवन इफ यू लूज दैम इफ इवन इफ यू हैव टू लिव विदाउट दैम यू शुड यू कैन लिव जिंदगी चलती रहती है इवन दो वी थिंक दैट वी कैन नॉट सर्वाइव बट इवन देन वी सर्वाइव वी हैव टू सर्वाइव दैट्स वाई शी सेज दैट शी गिव्स द एग्जाम्पल तीन स्टैंडर्ड में तो उसने अपनी एग्जाम्पल्स दे दी कि मेरे साथ ये हुआ मैंने छोड़ा मैं उन्हें मिस भी करती हूँ लेकिन ये मुश्किल नहीं है द आर्ट ऑफ क्लोजिंग इज नॉट टू हार्ड टू मास्टर मीन्स टू हार्ड मीन्स इट इज हार्ड बट शी सेज नॉट टू हार्ड इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने बना दिया है दो इट मे लुक लाइक डिजास्टर अगर चाहे डिजास्टर लगता है सो बड़ा जॉकिंग अंदाज में बड़ा जो है ह्यूमरस और फ्रिवलस अंदाज में जो है शी अपेरेंटली दिस इज वेरी फनी बट द अंडरलाइन मैसेज इज वेरी सेम सेंसिबल एंड इट इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट इट मेक्स अस थिंक हमें सोचने में मजबूर करती है हम सोचते हैं कि वाकई ही मुश्किल है क्या हम इस आर्ट को सीख सकते हैं वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस आर्ट इन आर लाइफ एंड हाउ कैन वी मैस्टर इट इज इट पॉसिबल फॉर अस टू मैस्टर इट डू वी थिंक इट एन आर्ट क्या ये वाकई आर्ट है और ये जिंदगियों को कैसे आसान बना सकता है बिकॉज इट गिव्स द मैसेज ऑफ कंटेंटमेंट कनाट का दर्श देता है टू एक्सेप्ट वट एवर यू हैव एंड लीव वट एवर इज लॉस्ट जो खो गया उसको छोड़ दें रिजाइन कर दें जो है उसको एक्सेप्ट कर दें इट मेक्स लाइफ पीसफुल बड़ी आपकी जिंदगी सुकून की बन जाएगी एंड यू विल लर्न द आर्ट ऑफ कंटेंटमेंट और कंटेंटमेंट जो है ना ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो कि हमें बड़ी मुश्किल से मिलती है ठीक है अभी थोड़ा सा जो है एक मैंने एक निकाली है वीडियो वो हम देखते हैं तो होपफुली आपको जो है थोड़ा फिर क्वेश्चन भी करेंगे आफ्टर दैट The art of losing isn't hard to master. So many things seem filled with the intent to be lost that their loss is no disaster. Lose something every day, except the fluster, lost door keys, the hour badly spent. The art of losing isn't hard to master. Then practice losing father, losing faster. Places and names and where it was you meant to travel. None of these will bring disaster. I lost my mother's watch. And look, my last or next to last of three loved houses went. The art of losing isn't hard to master. I lost two cities, lovely ones and vaster. Some realms I owned, two rivers, a continent. I missed them, but it wasn't a disaster. Even losing you, the joking voice, a gesture I love. I shan't have lied. It's evident. The art of losing's not too hard to master, though it may look like, write it, like disaster. So this was a bit script. Okay, let's come to the questions. Do you agree with the poetess that art of losing is not hard to master? How can we master this art? So, आपने इसमें थोड़ा सा बताना है कि do you agree with the poetess or not? आप उसे agree करते हैं या नहीं करते हैं? और फिर उसके बाद वो जो उसने बताई है techniques, how can we master this art? ठीक है, art of losing things. और next question है bearing out the element of satire. Satire कहते हैं तंज को, humor कहते हैं मजाक को, irony जिसमें जो होते हैं कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी वो कहती तो है आसान है लेकिन हकीकत में इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मास्टर दिस आर्ट फिर है राइट डाउन द मॉरल ऑफ द पोएम मॉरल ऑफ द पोएम एक्सेप्ट व्हाटएवर